काफ़ी बढ़िया यहाँ पर पकोड़े बनाए हुए हैं। अपने टिकट प्राइस में अनलिमिटेड पिज्ज़ा भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा पिज्ज़ा तो यहाँ पर आ चुका है और हम लोग अल्टीमेट व्यू आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और यहाँ से जो इसकी स्पीड हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है, तो मज़ा आ रहा है जिपलाइन में। और पीछे का व्यू देखो, पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं आपको अपना सागर सिंह कुलवान आज आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ विशालगढ़ फार्म। विशालगढ़ फार्म अपनी एक्टिविटी के साथ साथ ग्रामीण कल्चर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ की एक्टिविटीज से लेकर आप लोगों को बेहतरीन फूड खाने पीने को मिलता है। अगर आप लोग भी वीकेंड में कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो आ जाओ विशालगढ़ फार्म। यह आप लोगों को बेहतरीन टाइम स्पेंडिंग तो देगा ही, साथ में ही आप लोग वो चीज़ें यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं जो कि आप लोग कहीं और जाकर नहीं कर सकते। तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, साथ में ही आप लोगों को यहाँ के टिकट प्राइस क्या होने वाले, खाने पीने को क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ का टूर कैसा होने वाला है और क्या क्या चीज़ें आप लोग यहाँ पर आकर एंजॉय कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। और सबसे स्पेशल जो वीडियो के अंदर होने वाला है वो होने वाला है भारी डिस्काउंट। यहाँ के जो टिकट प्राइस है उस पर आप लोगों को भारी डिस्काउंट बताने वाले, किस तरीके से वो डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं यहाँ का टूर और आप लोगों को बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलते हैं विशालगढ़ फार्म। हमने आप लोग देख सकते हैं, ये है विशालगढ़ फार्म की एंट्रेंस। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एंट्रेंस बनाई है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि कोई हवेली हो। और सामने लिखा हुआ है बड़ा बड़ा सा विशालगढ़ फार्म और यहाँ पर आप लोगों को ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत किया जाता है। और साथ में आप लोग इस साइड में टिकट काउंटर देख पाएंगे और यहाँ पर बज रहे हैं ढोल। तो चलते हैं विशालगढ़ फार्म के अंदर और आप लोगों को ढेर सारी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। आगे बढ़ो, आ जाऊँगा नहीं तो। विशालगढ़ फार्म एक बेस्ट पिकनिक स्पॉट है जहां पर आप लोग काफ़ी कुछ खा भी पाएंगे सिर्फ एक ही टिकट प्राइस के अंदर। तो है ना मज़ेदार बात, आप लोग बेहतरीन डिस्काउंट के साथ साथ आज मैं आप लोगों को मज़ेदार ऑफर भी बताने वाला हूं जिसके अंदर आप लोग ढेर सारी बचत कर पाएंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ के नॉर्मल टिकट प्राइस बता देता हूँ। अगर आप लोगों की हाइट 4 फीट से ऊपर है तो आप लोगों को अडल्ट के अंदर काउंट किया जाएगा और आप लोगों की टिकट 1299 रुपये लगेगी। अगर आप लोग चाइल्ड है यानी कि आप लोगों की हाइट 4 फीट से नीचे है या फिर 4 फीट तक की है तो आप लोगों को चाइल्ड के अंदर गिना जाएगा, इसमें आप लोगों की टिकट 699 रुपये रहेगी। अगर आप लोगों के साथ में छोटे बच्चे हैं यानी कि 2.5 फीट तक का कोई बच्चा है तो आप लोगों की यहाँ पे एंट्री फ्री रहेगी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस टिकट प्राइस के ऊपर आप लोग भारी डिस्काउंट कैसे पा सकते हैं। अगर आप लोग भी इस डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं तो बुक माई डिस्काउंट थ्रू आप लोग इस टिकट को बुक कर सकते हैं और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप लोग अपने पैसे की बचत करना चाहते हैं तो बुक माई डिस्काउंट एक ट्रस्टेड वेबसाइट है जहाँ से आप लोग टिकट बुक करके यहाँ पर आ सकते हैं। पहले आप लोगों को टिकट बुक करनी होगी और पेमेंट आप लोगों को जब करनी होगी तब आप लोग विशालगढ़ फार्म का टूर करेंगे। तो है ना सोने में सुहागा। तो अगर आप लोग डिस्काउंट के साथ साथ फ्री मूवी टिकट भी पाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर है। आप लोग हमारे कोड को यूज करेंगे द हेल्पिंग सिंह तो आप लोगों को फ्री PVR टिकट भी फ्री मिलेंगे जो कि आप लोगों के कपल के लिए रहेंगे। काफी बढ़िया ऑफर है तो आप लोग दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और प्री बुकिंग करवा सकते हैं विशालगढ़ फार्म की। तो आइए और मजे लीजिए इस विशालगढ़ फार्म के। अभी जिस एरिया के अंदर मैं खड़ा हूँ यह है यहाँ का वेलकम एरिया, यहाँ से आपका वेलकम हो जाता है। सामने देख सकते हो वेलकम लिखा हुआ है और पूरा का पूरा जो लॉन है इनका काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी से भरा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को सबसे लॉन्गेस्ट जिपलाइन भी देखने को मिल जाती है, ये देख सकते हो सामने यहाँ पर जिपलाइन है और ये जो जिपलाइन होने वाली है 150 मीटर तक की जिपलाइन होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्गेस्ट जिपलाइन है और वहाँ तक आप लोग देख पाएंगे, बहुत लंबी जिपलाइन है। और बाकी इनका जो एरिया है ये फूड का एरिया है, यहीं पर ही आप लोगों को खाना पीना मिलेगा। और सामने आप लोग जिम्मणवार भी देख सकते हो, इसी तरीके का होने वाला है विशालगढ़ फार्म का टूर। तो दोस्तों फाइनली हो चुका है लंच का टाइम और हमारा लंच आ चुका है टेबल पे। तो यहाँ पर आप लोगों को वाइड ऑफ रेंज मिलने वाली है फूड्स की। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को नान्स देखने को मिल जाएंगे और साथ में शाही पनीर आप लोगों को मिल जाता है, रायता मिल जाता है, स्वीट में आप लोगों को गुलाब जामुन मिल जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों को नूडल्स भी मिल जाएंगे और यहाँ पर आ गई है दाल मखनी। तो काफ़ी अच्छा टेक्सचर है इसका
और यहाँ पे मिक्स वेज आ जाता है, साथ में सैलड आ जाता है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ का फूड होने वाला है और आप लोगों को जो फूड मिलने वाला है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलने वाला है यहाँ पर। तो अभी हम लोग फूड को टेस्ट करने वाले हैं और उसके बाद में आप लोगों को बताएंगे अगर आप लोग विशालगढ़ फार्म आ रहे हैं तो आप लोगों को फूड किस तरीके का मिलने वाला है। तो एक हॉनेस्ट रिव्यू आप लोगों को देने वाले हैं ताकि आप लोग आएँ तो आप लोगों को पता चले कि क्या कुछ आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस लंच को और आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा लंच लग चुका है हमारी थाली के अंदर और आप लोगों को अभी हम टेस्ट करके बताते हैं कि किस तरीके का यहाँ का लंच है। तो अभी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग खाने वाले जो हैं वो पनीर और नान खाने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है पनीर भी इनका, लाजवाब। तो टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है यहाँ का। यहाँ पर आते हो तो काफ़ी सारी रेंज आप लोगों को फूड में मिल जाती है, लेकिन हम लोगों ने कुछ ही आइटम सिलेक्टेड आइटम अपनी थाली के अंदर लिए हैं। तो बाकी आप लोगों को राइस वगैरह भी मिल जाते हैं लेकिन वो हमने थाली में नहीं ली क्योंकि थाली काफ़ी ज़्यादा छोटी है और इनके जो फूड रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे मिनी जू भी देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप लोगों को देख सकते हो ब्लैक मुर्गा इन्होंने रखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है देख सकते हो। और आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो ये लिखा हुआ है गाइनफॉल और ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, अलग ही तरीके का पक्षी है। और यहाँ पर आप लोगों को देसी मुर्गा भी देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो किस तरीके की लाल कलगी इसकी नज़र आ रही है। और यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल मुर्गा भी देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो विदेशी मुर्गा जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, काफ़ी जगह आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को रैबिट भी देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हो रैबिट, कितने छोटे छोटे से रैबिट हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और बच्चों को आप लोग रैबिट दिखाएंगे ना तो रैबिट देखकर आप लोगों के बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। तो इस तरीके का आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये लो भाई लास्ट में आए डक भी आ चुकी है, देखो भाई बुला रही है, अरे आ जा भाई क्या हाल है, ये देख कैसे बोल रही है, डक आ चुकी है और कैसे बोल रही है, ये ले ये ले ये ले 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 कैसे बोल रही है डक। इस तरीके की डक्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, आवाज़ लगा रही थी बातें कर रही थी। और आप लोगों को यहाँ पे कबूतर देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हो आप लोग पीजन देखने को मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा सुंदर। हम लोग दूसरे एरिया में आ चुके हैं जहाँ पर आप लोगों को अलग अलग एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर आप लोग गैदरिंग कर सकते हैं, डांस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक एरिया बनाया हुआ है और सामने आप लोग देख पाएंगे तो काफ़ी सारे ट्रैम्पलिन्स भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। ट्रैम्पलिन में आप लोगों के बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होती है ये एक्टिविटी। सामने लिखा हुआ है आई लव विशालगढ़। तो इसी तरीके के सेल्फी पॉइंट्स भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं और आप लोगों को कठपुतली का खेल दिखाते हैं किस तरीके से कठपुतलियाँ नाचते हैं, तो आप लोगों को एंजॉय करवाते हैं और चलते हैं सीधा सामने। तो फाइनली दोस्तों हम लोग रेडी हो चुके हैं जिप लाइन करने के लिए और ये दिल्ली एनसीआर की लॉन्गेस्ट जिप लाइन है। अराउंड अराउंड इसकी जो लेंथ होने वाली है वो होने वाली है 200 मीटर, काफ़ी ज़्यादा लंबी जिप लाइन है और मेरे हिसाब से फास्ट भी जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है विशालगढ़ फार्म की जिप लाइन में। तो अभी सीधा जिप लाइन में चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कैसा व्यू आता है ऊपर से जिप लाइन में। फाइनली हम लोग जिप लाइन के लिए रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं जिप लाइन करने के लिए, तो चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वो अल्टीमेट व्यू आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और यहाँ से जो इसकी स्पीड हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो मज़ा आ रहा है जिपलाइन में और पीछे का व्यू देखो, पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग, मज़ेदार है मज़ेदार, इस तरीके की जिपलाइन देखने में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वाओ नाइस एक्सपीरियंस, काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी जिपलाइन तो आप लोगों के साथ काफी ज्यादा बातें भी कर ली मैंने इस जिप लाइन में। तो भाई जिप लाइन हो चुकी है कंप्लीट और जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली एनसीआर की लॉन्गेस्ट जिप लाइन है, तो लॉन्गेस्ट जिप लाइन में काफी ज्यादा बातें भी कर ली आप लोगों के साथ में। ये वाली जिप लाइन खत्म होने में लगभग मुझे 1 से 1.5 मिनट लग गया और काफी ज्यादा मजेदार थी ये जिप लाइन।
तो आप लोग भी विशालगढ़ फार्म आएंगे तो इस जिप लाइन का मजा जरूर से लेना। तो चलते हैं अभी नीचे और भी एक्टिविटीज को एंजॉय करते हैं और शुरू करते हैं इस विशालगढ़ फार्म का टूर। सर है मैजिक शो, सर ये मेरा मैजिक का डंडा है, हाथ बिल्कुल खाली है सर। सर हाथ में क्या चीज़ है? पत्थर स्टोन। इसका कलर चेंज हो जाएगा सर, 3 बार ऐसे करके घुमाएंगे कलर चेंज हो जाएगा। फंक एक फंक दो, मिट्टी छुआना हाथ झड़काना, गुरु को याद करेंगे लेके आओ जरा छू काली। बनने लगे ऐसे बन गया। हाँ सर। सर कितने कॉइन्स हैं? एक ही है। एक 1 कॉइन्स डबल हो जाएंगे सर 20। नज़र में नहीं आएंगे, नज़र में आ जाए बता देना सर। ठीक है, ठीक है। चलो डबल हो जाओ। सिंगल कॉइन्स हाथ में बंद करेंगे, झोले के अंदर से सर मिट्टी लाएंगे दो बनाने वाली। दो हो जाना, दो बन जाना, दो हो जाना। 3 बार सर इस डंडे को ऐसे करके घुमा देंगे, डबल कॉइन्स हाथ में बना देंगे। चलो डबल हो जाओ। सर कितने कॉइन्स हो गए? नहीं नहीं सर अभी एक ही है, ये देखें। एक ही है ना? हाँ ये वाला खाली है सर, खाली है ना? खाली है। नहीं सर वो ठंडी से सुखड़ रहा है, खाली है। फिर से देखें सर, जब मैंने इस कॉइन्स को ऐसे हाथ में बंद किया और अंदर हाथ डाल के सर जब मैंने ऐसे किया तो आपको डाउट हो गया था है ना? अब मैं झोले के हाथ नहीं लगाऊंगा ठीक, और यहाँ पे 2 सिक्के बना दूंगा डबल कॉइन्स। चलो डबल हो जाओ। बना दूँ सर डबल? नहीं नहीं अभी एक ही है। हाँ हाँ सर 2 सिक्के झोले से बना दूँ या आपके सामने बनाऊँ? जैसे मन करे ऐसा। सामने बनाएं सर। लो देखो सर सामने बनाएंगे डबल कॉइन्स। 1 2 3 मिट्टी लगाएंगे और सर यहाँ से खींच के डबल कॉइन्स बना देंगे। ताली बजा सर, ताली नहीं बजा रहे हैं। सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पिज्ज़ा मेकिंग चल रही है और चीज़ भी यहाँ पे अमूल का यूज़ किया जा रहा है, देख सकते हो। अभी अभी भाई ने इसके अंदर खाली किया है तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर आकर आप लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट ही आप लोगों के पेट। सामने आप लोग देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा हो रहा है तैयार। पिज़्ज़ा तैयार होने के बाद में आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके का पिज़्ज़ा ये हमें सर्व करते हैं और किस तरीके का उसका रंगत आती है। सामने आप लोग देख पाएंगे तो बारिश अभी भी जमाझम चालू है और सामने वाला जो स्टॉल है उसके अंदर चाय पकौड़े स्टार्ट हो चुके हैं। बारिश तो पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है और पिज़्ज़ा निकाल दिया भैया ने, तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है देखने के अंदर। थोड़ी सी लाइटिंग कम है इसलिए ऐसा नज़र आ रहा होगा। थोड़ा उधर ले आओ। जब भी आप लोग विशालगढ़ फार्म आते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि यहाँ पर यूनिक क्या मिलने वाला है, तो आप लोग यहाँ पर आकर अपने टिकट प्राइस में अनलिमिटेड पिज्ज़ा भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा पिज़्ज़ा तो यहाँ पर आ चुका है और हम लोग भी अनलिमिटेड बार इसको खाने वाले हैं। तो ढेर सारा पिज़्ज़ा आप लोग और आप लोगों के बच्चे अगर पसंद करते हैं तो आप लोगों के लिए मस्ट विजिटेड प्लेस है और आप लोग यहाँ पर ढेर सारा पिज़्ज़ा इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको खाते हैं और उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके इसका टेस्ट है और किस तरीके से इन्होंने अमूल चीज़ को यूज़ करके इसको बनाया गया है। तो ये हमने पिज़्ज़ा ले लिया है। देखो चीज़ देखो पहले आप किस तरीके से मेल्ट होके निकल रहा है, तो इसे कहते हैं ट्रू पिज़्ज़ा लवर। पिज़्ज़ा काफ़ी सॉफ्ट है और इसका जो चीज़ है जो मेल्ट हुआ है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो इस तरीके का पिज़्ज़ा आप भी एंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ और भी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। सामने आप लोग रोप कोर्स देख पा रहे हैं, काफ़ी बड़ा सा एक रोप कोर्स बना हुआ है और इसमें यहाँ से ऊपर चढ़ना है और सीधा इस रस्सियों के बीच में से जाना है और फिर सीधा नीचे उतर जाना है। तो इस तरीके की आप लोगों को एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एक्टिविटी है। बच्चे बड़े सभी लोग इसको कर सकते हैं और खतरों के खिलाड़ी बन सकते हैं। तो इसी तरीके की एक्टिविटीज़ आप लोगों को पूरे ग्राउंड के अंदर मिलने वाली है और पीछे की साइड में आप लोगों को बड़े बड़े पहाड़ भी देखने को मिलने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वातावरण होता है और यहाँ की ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होती है। तो आप लोग यहाँ पर आएंगे तो ये सब कुछ एंजॉय कर पाएंगे। सामने आप लोग देख सकते हैं बम्बू ब्रिज, इसके ऊपर में देख सकते हैं ये बम्बू लगे हुए हैं और आप लोगों को इस पूरी की पूरी रॉप पे चलना होगा। ये देख सकते हैं लोहे की रॉप लगी हुई है और इसके ऊपर में चलना होगा। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है ये और इसमें मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। मतलब आप लोग 3-4 लोग कॉम्पिटिट करेंगे ना तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोगों को सेफ्टी के लिए हार्नेस भी पहनाई जाती है ताकि अगर आप लोग फिसल के गिरने लगे तो आप लोग ऊपर ही लटक जाएँ। तो इस तरीके का आप लोगों का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी तरीके से आप लोग सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय
कर सकते हैं। पकोड़े तैयार होकर आ चुके हैं और वहाँ से चाय आने वाली है और यहाँ पर आप लोगों को ग्रीन चटनी एंड रेड सॉस भी मिल जाता है पकोड़े के साथ एंजॉय करने के लिए। तो अभी पकोड़े वगैरह टेस्ट करते हैं किस तरीके के ये पकोड़े वगैरह बना रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर बारी आ चुकी है चाय पकोड़े की, तो यहाँ पर हम लोग पकोड़े ले लेते हैं। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर पकोड़े बनाए हुए हैं और साथ में आ जाता है इनका रेड सॉस, देख सकते हो किस तरीके की रंगत है। गाढ़ी गाढ़ी चटनी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, साथ में ही आप लोगों का ग्रीन सॉस आ जाता है। तो अभी हम लोग पकोड़े एंजॉय करने वाले हैं और किस तरीके का टेस्ट आता है पकोड़ों में वो भी आप लोगों को बताने वाले हैं। पकोड़े काफ़ी बढ़िया हैं और क्रिस्प जो आता है ना पकोड़े के अंदर वो भी टेस्ट आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और अभी हम लोग चाय पकोड़े एंजॉय करने के बाद में आप लोगों को थोड़ा सा और टूर देंगे, फिर विशालगढ़ फार्म के अंदर आप लोग इस तरह पूल भी देख पाएंगे और पूल के अंदर भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन पूल है और ये आप पानी देख सकते हैं कितना ज़्यादा साफ़ पानी है, बिल्कुल नीला पानी है। तो आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोग अनलिमिटेड पूल भी एंजॉय कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गहरा भी नहीं है ये और बच्चे भी यहाँ पर पूल में एंजॉय कर सकते हैं, तो बढ़िया है। और बाकी सामने आप लोग को रेन डांस देखने को मिल जाता है, रेन डांस में भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी एक्टिविटी आप लोग विशालगढ़ फार्म के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर चेंजिंग रूम भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे पूल के साथ ही, तो आप लोग चेंजिंग वगैरह भी आराम से कर पाएंगे। तो इसी तरीके का आप लोगों का टूर रहने वाला है। बाकी आप लोगों को विशालगढ़ फार्म के अंदर ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है किसी भी फार्म का, जो ग्रीनरी होती है ना वहाँ पर आना, वहाँ पर रुकना, वहाँ की ठंडी हवाएं लेना, तो वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को बढ़िया देखने को मिलेगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम आप लोगों को मिल जाएगी जो कि रेंट पे मिल जाएगी आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 10 रुपीज़ पर शॉट देना होता है और 10 रुपीज़ पर टी शर्ट देना होता है। तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम आप लोगों को यहीं मिल जाएगी। बाकी ये जो लॉकर है इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छा तो इसका जो है 100 रुपये रेंट होता है आप लोगों का, और 100 रुपये रेंट देके आप लोग इस लॉकर के अंदर अपना सामान भी रख सकते हैं जब स्विमिंग करते हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। बाकी आप लोगों को यहाँ पे डीजे वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को डीजे वगैरह भी देखने को मिल जाता है स्विमिंग के पास में ही, आप लोगों को डीजे वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो यहीं पर ही आप लोगों का डांस वगैरह चलेगा और उसके बाद में मज़ा आ जाएगा। साथ में आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरीके की हट्स देखने को मिल जाती हैं जिसके अंदर आप लोग आराम भी कर सकते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे हट्स बनाई हुई है, खाट रखी हुई है, जैसे कि आप लोगों के साथ में कोई बुज़ुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो वो यहाँ पर लेट बैठ भी सकते हैं। तो बाकी आप लोग आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके काफ़ी सारी हट्स देखने को मिल जाएंगी। बाकी अभी हम लोग बाहर की साइड में जा रहे हैं और आप लोगों को और चीज़ें बताते हैं यहाँ के बारे में। सो फाइनली दोस्तों विशालगढ़ फार्म का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि ऐसे बेहतरीन वीडियोस हम लोग अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते तो आप लोगों के लिए एक सजेस्ट देना चाहता हूँ मैं, अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे तो आप लोगों के लिए बेहतरीन होने वाला ये फार्म, क्योंकि यहाँ का जो खाना पीना और एक्टिविटीज़ है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है सारी चीज़ें और आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई भी है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों को यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो काफ़ी बेहतरीन रहा हमारा दिन, आप लोग भी यहाँ पर आएँ और एंजॉय करें अपने दिन।